नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का जो यहाँ पे विषय है वो है जो इंडियन स्टूडेंट या फिर इंडियन जॉब सीकर्स जो अब्रॉड में जाते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं वो कुछ ड्रीम्स के साथ वो लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उनको कुछ परेशानियाँ उस टाइम पे उठानी पड़ती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, और उस कंडीशन में उनको कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे किसकी मदद ली जाए। तो इसी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम लोग आ रहे हैं आज आपके सामने। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाले जो दूसरे नए वीडियो है उसके भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं यहाँ पे स्कैम्स इन द अब्रॉड एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे, सी इंडियन स्टूडेंट भी अब्रॉड में जाते हैं और जॉब सीकर्स जो रहते हैं वो लोग भी जाते हैं अब्रॉड में कई सारे ड्रीम लेके, और उस टाइम पे जो उनके लिए जो इन्फॉर्मेटिव सोर्स रहता है वो इन्फॉर्मेटिव सोर्स सिर्फ एक ही होता है, वो है ऑनलाइन मीडिया, मे बी सोशल मीडिया है या फिर इंटरनेट पे गूगल पे कुछ सर्च कर लिया, उससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है। और कई बार कुछ चीज़ें मिसगाइड की गई होती है कई कंपनियों के द्वारा और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस होता है उनको। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला जो इश्यू आता है वो फूडिंग इश्यू है। फूड की बात आती है तो हम लोग तो ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ कुकिंग इट्स अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि शॉपिंग मॉल के अंदर हर एक चीज़ें अवेलेबल वहाँ पे इजीली होती है, तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है फूड के अकॉर्डिंग। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनीज होती है जो फूड का पैसा आपसे ले लेती है लेकिन वहाँ पे फूड की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं होती है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन में भी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अकोमोडेशन के लिए प्रोविज़न होता है वहाँ पे। तो कई बार सस्ता अकोमोडेशन दिखा दिया और वहाँ पे जाके महंगा अकोमोडेशन आपको लेना पड़ता है, तो वो जो वेरिएशन आता है प्राइस में वो आपको इफेक्ट करता है कई बार। उसके बाद जो आती है बात स्टडिंग के बारे में, स्टडी के अंदर हम लोग बात करेंगे तो देखिए स्टडी के अंदर कई कई कंट्री के अंदर जो बात करते हैं तो वहाँ पे यहाँ से आपको गुमराह किया जाता है, कई बार बोला नहीं जाता है प्रॉपरली कि वहाँ पे कौन सा कोर्स अवेलेबल रहेगा। कुछ कुछ कंट्री के अंदर बायलिंगुअल कोर्स होता है या तो फिर उनकी लोकलाइज लैंग्वेज में भी कोर्स होता है, जो कि बच्चे को एक साल फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और उसके बाद उसका कोर्स शुरू होता है। मीन्स एक साल उनका बर्बाद हो जाता है, प्लस जो एजुकेशन इंग्लिश में मिलना होता है उसकी जगह पर वो वहाँ की लोकलाइज लैंग्वेज में मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बात आता है वो है यहाँ पे ट्यूशन फीस के बारे में और हॉस्टल फीस के बारे में और पेमेंट टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनीज कुछ ऐसी रहती है जो आपसे फीस पूरे साल भर का ले लेंगे लेकिन वहाँ पे करेंगे सिर्फ सेमेस्टर वाइज। दूसरी बात आती है यहाँ से आपके पास जो पैसा लिया जाता है उसमें हर एक सर्विस इंक्लूड बोली जाती है, लाइक हॉस्टल है या फिर दूसरी सर्विसेज है, लेकिन वहाँ पे जाके आपको एकदम घटिया जैसा हॉस्टल दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे उसका प्राइस बढ़ा के दूसरा हॉस्टल दिया जाता है, ऐसे भी लूटा जाता है कई लोगों को। तीसरी चीज़ वो भी आती है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के नाम से आपसे एडमिशन लिया जाएगा, वहाँ पे जाके वो यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है, उसका पैसा भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता, तो आपको मन मना के आपको जो ऑप्शन वो लोग दूसरा दे रहे हैं वो लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा भी कई जगह पर टॉर्चरिंग का इश्यूज़ रहता है कुछ कुछ कंपनीज़ का, कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है कि भाई तुम एजेंट बन जाओ या फिर एज ए एजेंट उनका यूज़ होता है कि वो लोग रिफ़र करेंगे स्टूडेंट को उनके थ्रू दूसरे स्टूडेंट, बहुत सारी ये वहाँ पे स्टोरीज रहती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो ये चीज़ों से बचना आवश्यक है। अभी ये बचने के लिए आप कॉन्टेक्ट किससे करोगे, तो सी सपोर्ट आपका आपको खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन अननोन कंट्री अननोन पब्लिक की वजह से आपको कई बार थोड़ी दुविधा रहती है कि कंप्लेन करे तो करे किसे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा, यानी कि लेट श्री सुषमा स्वराज जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, और वो इनिशिएटिव की वजह से एक पोर्टल ओपन किया गया था इंडियन स्टूडेंट के लिए और इंडियन जॉब सीकर्स के लिए। तो वो जो इनिशिएटिव था उसके हिसाब से उनका एक टारगेट यही था कि जो कम्युनिटी इंडिया की जो अब्रॉड में सेटल है उनका डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा प्रॉपरली था नहीं, कि कौन सी कंट्री में जॉब सीकर्स है, कौन सी कंट्री के अंदर स्टूडेंट है और कितनी मात्रा में, तो एक डेटा कलेक्शन का भी उनका हेतु था। और दूसरा, उनको जब सपोर्ट चाहिए तो इमरजेंसी में वो कांटेक्ट किसे करे, तो एक पर्टिकुलर चैनल मिल पाए स्टूडेंट को जहाँ से वो सपोर्ट ले पाए, तो उसके लिए एक पोर्टल ओपन किया गया था और वो पोर्टल का जो नाम है वो है मदद। मदद पोर्टल की अगर हम लोग बात करेंगे 2015 से पहले ये मौजूद है, और अभी तक की अगर सिनारियों की बात करेंगे हम लोग तो करीबन 66,604 लोग ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ ग्रीवेंस के लिए,
और उसमें से जो रिजोल्व हुए ग्रीवेंस वो करीबन 58,304 है आज की डेट में। उसके अलावा जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है वहाँ पे वो करीबन 21,905 यानी कि 22,000 स्टूडेंट आप बोल सकते हो। और टोटल रजिस्ट्रेशन जो बात करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर जॉब सीकर्स भी आ जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट भी आ जाता है, हर एक टाइप का वहाँ पे पर्सन आ जाता है, वो करीबन 1.5 लाख लोग ने रजिस्टर्ड किया हुआ है वहाँ पे। तो ये जो यूनिवर्सिटी था उसका मतलब वही था गवर्नमेंट का कि अपने जो इंडियन नागरिक है जो अब्रोड में सेटल है या अब्रोड के अंदर स्टडी कर रहे हैं या अब्रोड के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपरली सपोर्ट दिया जाए किसी भी कंडीशन के अंदर। कंडीशन कोई भी हो सकती है, पैंडेमिक भी हो सकती है, या फिर मे बी शायद वहाँ पे वॉर कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, या फिर वहाँ पे उनकी पर्सनल कोई कंडीशन भी हो सकती है। हर एक कंडीशन के यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का जिम्मेदारी रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपसे कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए ये एक पोर्टल तैयार किया हुआ है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आप बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे वीज़ा के रिलेटेड है, पासपोर्ट के रिलेटेड है, आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल के रिलेटेड है, उसके अलावा आपका कंपनसेशन कहीं से कोई अगर जॉब कर रहा है कंपनसेशन की बात भी आएगी, उसके अलावा कोर्ट केसेस होता है या कोई लीगल मैटर होता है वहाँ पे वो कंट्री के अंदर, तो आपको कौन हेल्प करेगा क्योंकि आप दूसरी कंट्री के नागरिक हो, तो वहाँ पे ये हेल्प आप यहाँ पे मांग सकते हो। तो उसके लिए ये मदद पोर्टल बनाया गया था और हर एक इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे ये मदद पोर्टल का उल्लेख किया ही होता है, लेकिन स्टूडेंट की नज़र में नहीं आता है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता उन लोगों ने। तो मेरा निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन खास से कर ले आप। तो रजिस्ट्रेशन का मेन है तो वही है, आपका ग्रीवियंस जब भी आपको रेज करना आप कर सकते हो, लेकिन आपका डेटा गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्ली अवेलेबल रहेगा तो इन फ्यूचर कोई भी कंडीशन होगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मदद पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हमें यहाँ पे पीछे स्क्रीन में आपको पूरा वन बाय वन एक स्लाइड घूम रहा होगा, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है आगे का प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट ने ना किया हो रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन खास से कर ले। वो अब्रोड जाने का प्लान कर रहे हैं या अब्रोड जा चुके हैं, अब्रोड के अंदर जो सेटल है, हर एक को ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर खास ध्यान रखना है, जब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फिलअप करते हो तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका वहाँ का जो कंट्री के अंदर आप हो वहाँ का भी नंबर डालें और इंडिया का भी आपका एक नंबर डालें, ताकि गवर्नमेंट दोनों तरफ पैरेलली कॉन्टैक्ट कर पाए वेरी इजीली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो अपना रास्ता क्लियर कर लिया हुआ है, लेकिन आपकी फ़र्ज़ होती है यहाँ पे कि आपको जो भी इश्यूज़ आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपने आवाज़ दबा के रखी है तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ना ही आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर आपने आवाज़ अपनी बुलंद की तो लोग तक पहुँचेगी और डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए गवर्नमेंट ने यह प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। और यहाँ पे किसी से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, प्रॉपर एविडेंस है और आपके पास प्रॉपर रीज़न है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स भी गवर्नमेंट ने दिए हुए, जो कि 1800113090 है एक, और दूसरा है 0114050309। ये नंबर जो है सुबह में 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ओपन रहते हैं हर एक के लिए, और सैटरडे को और वक्त जो हॉलीडेज रहती है उस दिन ये बंद रहेगा। और दूसरा अगर मदद की बात करेंगे तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो भी खास रिफ़र करें। तो यहाँ पे अगेन एक चीज़ को वन स्टेप अहेड ले लिया गया है, मदद का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ है एक ही है कि आप अगर खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम आपको यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो रास्ते पे चलना नहीं चलना इट्स योर विश। कई बार पाथ कठिन लगता है लेकिन उतना होता नहीं है, और आपकी प्रॉब्लम के लिए आप आवाज़ रेज कर रहे हो, उसमें कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है डालिए मदद के ऊपर और पाइए मदद वहाँ से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एवं फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, एवं नीचे दिए गए जो मेल आईडी है वो मेल आईडी पर जाके मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी दो चीज़ें, एक चैट सेक्शन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे जाके आप हमारे जो एग्जीक्यूटिव उनसे चैट भी कर सकते हैं, और इससे भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप सीधा सा जो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे लिंक पे, गूगल फॉर्म को भी फिलअप करके आपका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो या कहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो उसके द्वारा उस टाइम पर अगर आपको वहाँ के किसी इमरजेंसी के नंबर की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वो भी हमको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो हम आपको शेयर करने के लिए प्रयत्न करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।